अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज ज़ैनब अली फ्रॉम ज़ैनब कुक हाउस। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ओरिजिनल मुरादाबादी चिकन बिरयानी। कोई बिरयानी बोलता है, कोई पुलाव कहता है। इसे बनाया था पुरानी दिल्ली चिकन वालों ने सूरत में। यह है अपोजिट अल खलील चाय वाले के सामने और यह है कमाल गली चौक एरिया में। मैं आपको 1 किलो के हिसाब से बता रही हूँ। तो आपको पहले तो इसमें 2 किलो चिकन लेना है। इसमें डबल जाता है चिकन, 1 किलो राइस है तो 2 किलो चिकन जाएगा। ओके, इसके अंदर 300 ग्राम से 400 ग्राम ऑयल जाएगा। कोई भी आप रिफाइंड ऑयल ले लीजिए। अगर आप घी का यूज़ करते हैं तो 50 ग्राम उसमें घी और ऐड कर दीजिए, बिकॉज कोई भी चीज़ में अगर आप घी डालते हो तो उसका जो टेस्ट है वो एनहेंस हो जाता है। इसमें 50 से 60 ग्राम आपको खड़ा मिर्ची लेना है, लाल ले लीजिए या फिर हरा। 2 टेबलस्पून इसमें आपको जाएगा जिंजर पेस्ट, 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा गार्लिक पेस्ट। और इसमें मिक्स अचार है तो 3 to 4 टेबलस्पून आप कोई भी मिक्स अचार ले लीजिए, या फिर आप सिर्फ हरी मिर्ची का अचार भी ले सकते हैं। सॉल्ट आपको डालना है एज पर योर टेस्ट, बट हमेशा याद रखें कि अचार में जो है वो सॉल्ट ऑलरेडी होता है, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा टेस्ट करके डालिए। इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं है, बहुत ही कम। और इसमें 1 टीस्पून फुल भर के आपको मिक्स खड़े गरम मसाले डाल देने हैं, ठीक है। ज़्यादातर जीरा और इसके अंदर दालचीनी है और तेज़पत्ता है, थोड़ा सा लौंग और थोड़ा सा काली मिरी है। काली मिरी नहीं डालना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून फुल भर के नींबू आपको इसमें डालना है, 2 से 3 नींबू का जूस, मतलब 2 to 3 टेबलस्पून डाल सकते हैं आप। बट अगर आप खट्टा ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं तो स्किप कर दीजिए, आप एटलीस्ट 1 to 2 टीस्पून ज़रूर डालें, क्योंकि इसमें चिकन का क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है, 2 किलो का चिकन है। और हमेशा प्रेफरेबली जब आप पुलाव बनाते हैं तो बोनलेस का यूज़ मत करो आप लोग, सिर्फ बोन वाला यूज़ करो। सो गाइज, ये जो रेसिपी है मेकिंग है वो ओरिजिनली फ्रॉम दिल्ली है, तो कोई भी केटरिंग वाले इसे इसी तरीके से बनाते हैं, तो आप भी इसे इसी तरीके से बनाएं। जब ऑयल अच्छे से हीट हो जाए तो इसके बाद आप डाल दीजिए मसाला। मसाला को भूनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि चिकन आपने ऐसे ही डाल दिया क्या, केटर वालों ने ऐसे ही डाल दिया। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, चिकन को हमेशा वॉश करते हैं। कभी वो शूट होता है, कभी वो शूट नहीं होता है। दैट इज़ अ कॉमन सेंस कि हर एक चीज़ धो धाकर ही डाली जाती है, ठीक है। तो अब आपको इसे भून लेना है। चिकन वाले को बोलिए आप कि आपको करी कट चाहिए, ठीक है। इसमें बिरयानी कट मत डालें, ज़्यादा बड़ा चिकन का पीस नहीं होना चाहिए। अब आपको इसे कलर चेंज होने तक अच्छे से अराउंड 5 to 6 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे कंटिन्यूस इसे भूनना है, ठीक है। कुकर में कभी मत बनाना ये पुलाव, हमेशा आप इसे एक पैन में बनाएं, ठीक है, जिसे पतीला बोलते हैं उस तरीके से आप बनाएं। अब पानी आप अपने हिसाब से डालें। तो कमेंट में आया है कि बासमती राइस कौन सा यूज़ किया है। सो देखिए, केटर वाले के पास जो बासमती होता है वो अलग क्वालिटी का होता है, वो बल्क में लेते हैं, उसका नाम कोई नहीं होता है। बट कोई कोई उसमें दावत का भी यूज़ करता है, कोई कोई उसमें पंजाबी वाला जो बासमती राइस होता है, सो इट कम्स डायरेक्ट फ्रॉम पंजाब, वो यूज़ करते हैं। बट आप घर में हमेशा दावत यूज़ करें, बहुत अच्छा ब्रांड है, लॉन्ग ग्रेन राइस, पानी कम सोक करता है उसके अंदर और बहुत ही खिला खिला चावल बनता है। वॉश करने के बाद आपको थोड़ी देर इसे ड्रेन कर लेना है, एक्सेस पानी आपका निकाल देना है, ठीक है। 4 कप चावल है तो 6 कप पानी जाता है जनरली, तो ये आपको मैं एक अंदाजन बता रही हूँ, बट आप अपने चावल को अच्छी तरह से जानते हैं अगर आप रेगुलर कुक करते हैं, ठीक है। ये आपका पानी पानी नहीं होना चाहिए और इसे कंटिन्यूस आपको चलाते रहना है ताकि पूरा चावल जो है सब साइड से पक जाए। जब आप देखें कि चावल अच्छी तरीके से ऑलमोस्ट 80% कुक हो गया है, तो तब आपको इसमें डालना है दम पे, ओके। सो गाइज, आई होप आपको ये मुरादाबादी चिकन पुलाव या फिर बिरयानी बहुत पसंद आई होगी। सो दिस वॉज द ओरिजिनल रेसिपी ऑफ मुरादाबाद। सो मैं ट्राई करती हूँ कि हमेशा आपको डायरेक्ट फ्रॉम केटर से बताऊँ। तो कमेंट में मुझे इस बार ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए, या फिर आपको पुलाव चाहिए या तो दाल गोश्त चाहिए। सो द मेजॉरिटी विंस, ओके। सो आई विल सी द कमेंट, दाल गोश या फिर कोई पुलाव। तो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। ज़ैनब कुक हाउस को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलती हूँ नेक्स्ट मेकिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।